हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट इज़। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारे रोज़ प्लांट। बहुत अच्छी ग्रोथ इस पर निकली है, और क्योंकि 15 दिन पहले मैंने इनको फर्टिलाइज़ किया था, आपके साथ शेयर भी किया था जो फर्टिलाइज़र मैंने इनको दिया था। तो देखिए कितने अच्छे बर्ड्स निकल कर आए हुए हैं। देखिए ये एक है, दो, तीन, हर ब्रांच पे बर्ड्स हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बर्ड्स ये देख सकते हैं। और इस दूसरे प्लांट पर भी देखिए कितने अच्छे बर्ड्स निकले हुए हैं। ये हैं दो बर्ड्स, एक ये है, दो ये हैं मोटे मोटे। तो पूरे हर प्लांट पे हमारे बर्ड्स बने हुए हैं। कुछ ब्रांचेस पे नहीं है, उन पे भी आ जाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ग्रोथ अच्छी आ रही है। साथ साथ में जो है कुछ हमारे प्लांट्स में फंगस का अटैक भी हो जाता है, एफिड्स का अटैक भी हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे छोटे, ये इसमें अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, एफिड्स हैं, या क्या बोलते हैं, वाइट फ्लाइज हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया। तो इनसे बचाने के लिए अपने प्लांट को हमें क्या करना है, अभी आने वाले टाइम में हमने इससे अच्छे फ्लावर्स भी लेने हैं। देखिए हल्के हल्के इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे वाइट फ्लाइज की तरह दिखाई दे रहे हैं, बारीक बारीक से कीड़े हैं, उनको हमने दूर भगाना है, क्योंकि हमारे कलियों को ये ख़राब करेंगे। कलियाँ ख़राब होंगी तो फ्लावर्स नहीं मिलेंगे हमें। और साथ में सूखी लीव्स जितनी भी प्लांट में आपको निकलती हैं, सूखी हुई लीव्स हैं, इन्फेक्टेड लीव्स हैं, उनको आपने तोड़ते रहना है। जैसे इस तरह की लीव्स हैं, इनको आपने साथ साथ निकालते रहना है। आप प्लांट पे जितनी अभी आप साफ़ सफाई करते रहेंगे साथ के साथ, उतना आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। कहीं जहाँ पर भी आपको इस तरह से जली हुई लीव्स, फंगस का अटैक होता है, ये अगर ये दिखाई देती हैं, तो इनको आप साथ के साथ निकालते रहिए। और कुछ ब्रांचेस रह जाती हैं जो हमारी कट नहीं हो पाती हैं, तो उनको भी आप साथ साथ कट करते रहिए अगर आपको दिखाई देती हैं अपने प्लांट पे। तो इन एफिड से और वाइट फ्लाई से बचाने के लिए आपने क्या उपाय करना है, देखिए एक लीटर पानी लिया है मैंने, एक लीटर स्प्रे बॉटल में पानी लेना है, और एक जो भी इंसेक्टीसाइड आपके पास पड़ा है, देखिए मेरे पास ये नागराजा है, नागराजा को मैं डालूँगी इसमें। एक लीटर पानी में आपने, ये देखिए मैंने दो दो चार बूंदें डाली हैं, दो चार तो नहीं कहूँगी, आधा चम्मच कम से कम मैंने इसमें डाला है। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, हिलाने के बाद देखिए इसको बंद कर लेते हैं। इसको तो स्प्रे बॉटल में हमने नागराजा डाल लिया है आधा चम्मच एक लीटर पानी में। इसको हमने अच्छे से हिलाने के बाद हर प्लांट के ऊपर, हर लीव्स के ऊपर स्प्रे करना है। देखिए जहाँ पे भी ये इन्फेक्टेड आपको दिखाई दे रही है, कलियों के ऊपर ये वाइट फ्लाइज बैठी हुई हैं, वहाँ पे सब जगह आपने स्प्रे करना है, जिन जिन कलियों पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वाइट फ्लाइज आगे जाके हमारे प्लांट को इन्फेक्ट करती हैं और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं करता है। सारे प्लांट को आपने अच्छे से इस स्प्रे से नहला देना है बिल्कुल, ताकि जितना भी इस पर इन्फेक्शन है सब निकल जाए। तो इसी तरह से आपने अपने प्लांट की केयर करनी है, और जहाँ पे भी आपको जो भी प्लांट पे इन्फेक्शन नज़र आता है, जो भी कमी नज़र आती है, उस पर आपने ट्रीट करना है, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग सीज़न है। अच्छे से इसका देखभाल करेंगे तो आप अच्छा इस पर फ्लावर्स ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।